हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम राजनीति विज्ञान सेमेस्टर वन डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स के अंदर जो भी हमने यूनिट नंबर वन अभी हमने जो है कंप्लीट की थी आपकी। तो यूनिट नंबर वन हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं आपकी। अब यूनिट नंबर टू में से हम लोग स्वतंत्रता के बारे में बात करने वाले हैं। स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम और लिबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले अब यूनिट नंबर टू की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कि हम लोगों ने अभी तक जो है बात की थी वो यूनिट नंबर वन से बात की थी। अब यूनिट नंबर टू की अगर हम बात करें यहाँ पर स्वतंत्रता की अवधारणा, यूनिट नंबर टू जो है हमारी, इसके अंदर से हमारा लेसन नंबर वन है स्वतंत्रता। तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए जरा यहाँ पर, स्वतंत्रता की अवधारणा राजनीति की केंद्रीय समस्या है और वास्तव में राजनीति दो विरोधी शक्तियों, शासन की सत्ता के लिए इच्छा और शासितों का विरोध के बीच निरंतर खींचतान है। अब जो राजनीति जीवन है वो क्या है, वो दो विरोधी शक्तियां हैं। एक तो सत्ता जो शासन जो कर रहा है वो, और दूसरा जिसपे शासन हो रहा है, यानी कि शासन की सत्ता के लिए और जो शासितों का विरोध है उसके लिए, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, निरंतर खींचतान की प्रक्रिया है। शासक सदा ही अधिक से अधिक सत्ता अपने हाथों में लेना चाहते हैं, और जबकि जो नागरिक हैं जिनके ऊपर जो है शासन किया जा रहा है वो अधिक से अधिक चाहते हैं कि उनको अधिकार मिले, और वो इस चीज की कामना करते हैं कि वो जो है खुली प्रवृत्ति के समाज के अंदर अपना जीवन व्यापन कर सके। और इन दोनों विरोधी शक्तियां अर्थात सत्ता और पूर्ण स्वतंत्रता के बीच में समुचित संबंध बनाए रखना राजनीति की प्रमुख समस्या है। अब बताया गया है कि समाज के अंदर जो सत्ताधारी वर्ग है और जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है, इन दोनों के बीच में एक समुचित संबंध बनाए रखने का जो कार्य है वो किसका है, राजनीति का है। और अधिकतर लेखक ये मानते हैं कि स्वतंत्रता अधिकारों की उपज है। जो स्वतंत्रता है वो क्या है, अधिकारों की उपज है। स्वतंत्रता की वजह से ही अधिकार जो है बाहर निकल कर आए हैं। जहाँ अधिकार नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, परंतु स्वतंत्रता साध्य नहीं है, साधन है, और ये व्यक्तिगत के पूर्ण विकास के लिए एक आवश्यक साधन है। बोला जाता है कि स्वतंत्रता जो है वो क्या है, व्यक्तिगत विकास के लिए अति आवश्यक मानी जाती है। स्वतंत्रता रहित समाज में व्यक्ति तो होते हैं, व्यक्तित्व नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक कोई पक्षी है, अगर उसको हम पिंजरे में रखते हैं, ठीक है, वो उड़ तो सकता है पर उसको आजादी नहीं मिली, इसका मतलब क्या है कि वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए अधिकार के बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोगों के सुखी जीवन और व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता की एक्चुअल जो डेफिनेशन है, यानी कि स्वतंत्रता का महत्व वो क्या है। तो स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के अपने हित में तथा सामाजिक संबंध को अधिक कुशल और उन्नत बनाने के लिए जरूरी है। और बर्ट्रेंड रसल ने ठीक ही कहा है कि स्वतंत्रता की चाह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जिन देशों में व्यक्तियों की स्वतंत्रता कम से कम होगी या नहीं के समान होगी, वहां पे सर्वाधिकारवादी राज्यों में वहां ना तो व्यक्तियों का अपना ही विकास हो पाता है और ना ही राज्य संगठन कुशल होता है। तो जहां पर आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता का अभाव होगा, तो वहां तो कहीं जो राज्य है उसका विकास हो पाएगा और ना ही राज्य में रह रहे व्यक्तियों का अपना भी विकास हो पाएगा, क्योंकि शासन व्यवस्था जो है थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में रहती है और वे राज्य को जब चाहे नाश की ओर ले जा सकते हैं। अब सोल्टाउ ने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि स्वतंत्रता समाज के लिए कई कारणों से बहुत जरूरी है, जैसे कि किसी भी जीवित सभ्यता के लिए उसके विचारों की आवश्यकता, समाज की गति को स्थिर हो जाएगी अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो स्वतंत्रता के होने पर भी परिवर्तन शांतिपूर्वक हो सकते हैं, स्वतंत्रता होगी तो परिवर्तन होगा। एकमात्र विकल्प है कि क्रांति और अत्याचारी शासन, ठीक है। अब समाज के लिए प्रतिबिंब जीवन स्वस्थ दशा नहीं है, समाज की समृद्धि स्वतंत्र जीवन से ही संभव है। कि समाज का अगर विकास चाहते हो, समाज की समृद्धि चाहते हो, तो उसके लिए स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। आगे बताया गया कि इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की अवधारणा राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परंतु स्वतंत्रता शब्द के अर्थ में अगर हम बात करें कि जितने गलत अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उतना ही शायद ही किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या लिया जाता है कि व्यक्ति क्या बोलता है कि मनमानी करने का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता है, ठीक है। तो स्वतंत्र विचारक प्राचीन परंपराओं से मुक्त होने के अवसर को ही स्वतंत्रता समझते थे। वो बोलते थे कि प्राचीन जो परंपराएं हैं ना, इनसे अब आजाद हो गए और आपका जो मन करे करने का, आपकी जो मनमानी करे आप वो कर रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। उनका विश्वास है कि मनुष्य अपना भला बुरा स्वयं समझता है और उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि जो मनुष्य जो समाज में रह रहा है, तो उसे पता है कि वो अपना जो है भला बुरा सब कुछ समझ सकता है, तो उसको अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।
अब इस प्रकार से जो है स्वतंत्रता जैसे विशाल अर्थ वाले शब्द को चंद शब्दों में बांधकर उसकी निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। तो ये तो आपको सबको पता होगा कि किसी भी पर्टिकुलर राजनीतिक के या फिर किसी भी पर्टिकुलर दार्शनिक की अगर हम बात करें तो वो किसी भी परिभाषा को अगर वो परिभाषित करते हैं तो वो परिभाषा सिर्फ सर्वमान्य नहीं हो जाती है बल्कि अनेकों विचारक उसके ऊपर अपने अपने मत भी देना स्टार्ट कर देते हैं और अनेकों दार्शनिक जो है अपने अपने तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि ये है कि किसी भी शब्द की निश्चित परिभाषा देना तो बहुत कठिन होता है, इसी प्रकार से स्वतंत्रता जैसे विशाल शब्द को चंद शब्दों में बांध लेना और उसकी निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना भी बहुत ज्यादा कठिन है। स्वतंत्रता की अवधारणा का सही अर्थ ऐसे नियंत्रणों का अभाव है जो व्यक्ति के विकास में बाधक हो और मनुष्य के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। आधुनिक युग में प्रत्येक प्रजातंत्री देश अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है जो जनता की स्वतंत्रता की रक्षा में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। तो यहाँ पर आप बात कर चुके हैं कि मैंने आपको बताया कि विशाल अर्थ यानी कि जो स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता अपने आप में एक विशाल शब्द है और ये चंद शब्दों के अंदर बांधकर इसकी निश्चित परिभाषा देना बहुत कठिन है। तो स्वतंत्रता की अवधारणा का सही अर्थ क्या होगा कि जो ऐसे नियंत्रणों का अभाव हो जो व्यक्ति के विकास में बाधक हो, यानी कि आप स्वतंत्र हो पर जब तक स्वतंत्र हो जब तक कि आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं, दूसरे की स्वतंत्रता में आप जो है बाधा नहीं डालते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता शब्द के को जो है वो विस्तृत रूप से व्याख्या करने के बाद में तीन प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहला कि समाज में रहने वाला व्यक्ति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, भाषण, लेख, विचारों को प्रकट करना चाहता है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, वो भाषण अपना यानी कि कुछ बोलना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता हो, अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है उसकी स्वतंत्रता हो, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग करता है। दूसरा समाज और राज्य के अंतर्गत जो साधनों को जुटाने की जो मांग करता है उसके व्यक्तित्व विकास में सहायक हो, कि वो हर वो कार्य कर सकता है जिसके अंदर उसका विकास जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता का अर्थ सबके लिए समान अवसर और समान स्वतंत्रता प्रदान करना है। अब उदारवादी स्वतंत्रता के अवधारणा के विकास के आधार पर स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो आयाम हैं, ठीक है, आयाम है। आयाम का मतलब क्या है, परिप्रेक्ष्य, ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं दृष्टिकोण, ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं नजरिया, और इंग्लिश में पॉइंट ऑफ व्यू। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, देखो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का मतलब क्या है कि सुधार की युग की देन 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में हुई। ये अवधारणा मनुष्य को सभी जीवों का मापदंड मानती है और व्यक्ति के कर्म क्षेत्र का अधिकार उसका विवेक है, ना कि राज्य के कानून। अब प्रसिद्ध समझौतावादी जो लेखक है लॉक ने स्वतंत्रता के आधार को प्रगति और इसके इस प्रगति तथा असीम माना है। उनके अनुसार आदर्श शासन वह है जो कम से कम कानून बनाए और व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। तो देखिए वर्तमान या अगर हम बात करें कि समझौतावादी जो लेखक हैं लॉक ने क्या बोला, उन्होंने क्या कहा कि भैया ये जो स्वतंत्रता है अगर हम इसकी बात करें कि इनके अनुसार जो आदर्श शासन है वो क्या होगा कि कम से कम कानून बनाए जाए और व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाए। स्वतंत्रता की मांग धर्म क्षेत्र से लेकर प्रारंभ हुई और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों के अंदर प्रवेश कर गई और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका आधार व्यक्ति का स्वतंत्रता ही जो है यहाँ पर इसका केंद्र बना, यानी कि व्यक्ति को जितना स्वतंत्र छोड़ा जाएगा वो अपना विकास कर सकेगा और जहां व्यक्ति अपना विकास करेगा वहां राज्य का विकास जरूर होगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता की आवाज जो है पॉप की तानाशाही, पॉप यानी कि जैसे कि आपने चर्च में देखा होगा ना, जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर मौलवी और पंडित ऐसी इसी तरीके से जो है पॉप हुआ करते थे। अब राजनीतिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता राजतंत्र के खिलाफ मांगती, राजतंत्र यानी कि जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन हो इसके खिलाफ मांगती, और आर्थिक स्वतंत्रता की मांग सामंतशाही के खिलाफ स्वतंत्र समझौते और स्वतंत्र बाजार की मांग जिसका उद्देश्य स्वतंत्र व्यापार और उचित कीमत की प्राप्ति करना था। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का जो जन्म है और जो उसका विकास है वो तीन आंदोलनों के अंदर देखा जाता है। जैसे कि आपके धर्म आंदोलन थे स्टार्टिंग में 16वीं से 17वीं शताब्दी के अंदर, फिर उसके अंदर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए 17वीं से 18वीं के अंतर्गत, और उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें कि जो तीसरे थे तीसरे थे आर्थिक आंदोलन के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे नकारात्मक स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले मूल रूप से प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि मतलब किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, ज्यादा से ज्यादा जो है आपको जो है उसके अंदर प्रतिबंध ना हो वही स्वतंत्रता कहलाएगा, ठीक है। तो उनके अनुसार व्यक्ति कुछ भी करना चाहता हो वैसे उसे करने से ना रोका जाए, यानी कि जो चाहे सो करो का जो चाहे सो करो की नीति, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो मन कर रहा है आपको वो करने का मौका दे दिया जाए, यानी कि आप स्वतंत्र हो और व्यक्ति अपना भला बुरा स्वयं जानता है, वह अपनी आत्मा और शरीर का स्वामी है और उसे अपने अंतकरण के अनुसार कार्य करने की छूट देनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता बोलेंगे। अब इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के अंदर कुछ तत्व दे रखे हैं, जैसे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित है,
प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में विश्वास, स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति ये सब जाती है, और राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता। यानी कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र उसको कर दोगे तो वो अपना व्यक्तिगत विकास कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता में परस्पर विरोध रहता है, क्योंकि राज्य की शक्ति अलग और व्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल विरोधी है। स्वतंत्र राज्य या फिर समाज द्वारा थोपे गए दबावों का नाम ही है। स्वतंत्र राज्य का मतलब यह है कि समाज ने कोई दबाव थोप दिया उसके ऊपर, और इसी को हम स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। अब आर्थिक असमानता स्वतंत्रता का स्वाभाविक लक्षण माना जाता है, कि भाई आर्थिक आपको जो समानता दी जा रही है इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्रता का ये स्वाभाविक लक्षण है। अब पूंजीवादी अर्थ के अंदर अगर हम बात करें इसका, तो एक स्वाभाविक प्रणाली है जिसे व्यक्ति को अधिकतम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अर्थात जो स्वच्छ चरित्र में विश्वास रखता है, यानी कि वो अपनी मर्जी से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उपरोक्त जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसकी अवधारणा से स्पष्ट होता है कि केवल बंधनों के अभाव और व्यक्तिगत में विश्वास रखती है। जैसे कि मैंने कहा कि आप जो है क्या कर रहे हैं कि भाई अगर 10 बजे तक हमारे संविधान के अंतर्गत हमारी किताब में लिखा हुआ है कि आप डीजे बजा सकते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करा, आपके पड़ोस में शादी है या आपके घर में शादी है, आप क्या कर रहे हैं बड़े धूमधाम से सुबह से आप डीजे बजा रहे हो, कोई रोकने वाला नहीं है। परंतु क्या होगा, जैसे ये डेडलाइन आएगी 10 बजे, तो 10 बजे के बाद में क्या होगा, वो जो आपने सुना होगा ना आंटी पुलिस बुला लेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 10 बजे के बाद में भी आप डीजे बजाते हैं तो आस पड़ोस के लोग जो है कॉल कर देंगे, और उसके बाद में पुलिस वाले आ जाएंगे और वो डीजे आपका बंद करवा देंगे। क्यों करवा देंगे, क्योंकि आपको स्वतंत्रता है, पर जब तक स्वतंत्रता है जब तक कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं या फिर उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीन रहे हैं। आप 10 बजे से पहले डीजे बजा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसके बाद में दूसरे व्यक्तियों को भी आराम करने का अधिकार है, वो लोग सोएंगे पूरे दिन के थके हुए, पर आपके मनोरंजन की वजह से वो लोग तो नहीं जा सकते ना। तो इसीलिए 10 बजे एक लास्ट लिमिट दे रखी होती है कि उसके बाद आप डीजे बजाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि आप दूसरे की स्वतंत्रता में हनन डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, इसके अंदर पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज हम क्या करें, रेड लाइट है, अब 10 इस वाले को हम क्लियर कर लेते हैं कि 10 बजे के बाद में जो आप डीजे बजा रहे हो तो वो क्या है, वो नकारात्मक स्वतंत्रता है, कि सकारात्मकता के दायरे में थे आप, पर उसके बाद में भी अगर आप डीजे बजा रहे हो तो वो आप नकारात्मकता में आ गए। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि जो समाज में दी गई जितने भी क्रियाकलाप है उनको आप उन्हीं के आधार पर चलाएं। तो सकारात्मक स्वतंत्रता एक सामाजिक संकल्पना के रूप में कार्य करती है, ये सामाजिक संदर्भ के अंदर व्यक्ति के हित और विकास को देखेगी। जैसे कि जो विचारक है, बहुत एक प्रमुख विचारक रहे हैं लास्ट की, उन्होंने कुछ बोला था, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक चीज है। इसका मतलब क्या है कि केवल बाधाओं का अभाव नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत उन्होंने क्या बोला है कि सकारात्मक स्वतंत्रता उन प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं को हटाने की मांग करता है जो सामाजिक व्यवस्था से पैदा हुई है, और जिसे समाज जो है हटाना व्यवहारिक भी है, यानी कि समाज से जो है जिन्हें हटाना व्यवहारिक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा कि व्यक्ति के विकास के लिए, यानी कि बंधनों का अभाव तो बिल्कुल आपको यहाँ पर बोल देंगे, सिर्फ यही नहीं बल्कि उसको स्वतंत्रता उन प्रतिबंधों का भी अभाव है जो कि व्यवस्था को हटाने की मांग करता है। तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि स्वतंत्रता जो है वो सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि कुछ अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध की स्थापना करना, कुछ अनुचित स्थान होते हैं उस पर जो उचित प्रतिबंध लगाए जाना ही स्वतंत्रता कहलाएगा, जो केवल एक ऐसे वातावरण में संभव है जिसका निर्माण करने का दायित्व तो राज्य का है, जो अधिकार देकर ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें कि व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा। और उसके बाद अगर हम देखें कि सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता को भी मान्यता देती है। अब पूर्व नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा क्या करती है, उनके विचारकों का ध्यान केवल राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता तक सीमित रहा है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, केवल संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा को वे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मानते हैं, और आम जनता की आर्थिक हालत में सुधार के प्रति भी वो उदासीन है। और 20वीं सदी में नकारात्मक स्वतंत्रता की व्यवहारिकता ने गरीबी और असमानताओं को भी जन्म दिया। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है इसके प्रारंभिक अंश मिल की रचनाओं में मिलते हैं, यानी कि जो मिल है उनकी रचनाओं में मिलते हैं, और मूल रूप से वे नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु कुछ कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध नहीं करते थे। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जो है पनपती बुराइयों ने जो बुराइयां हैं धीरे धीरे, तो इसमें जो है कांट हो गए, फिस्टे हो गए, ग्रीन हो गए, ऐसे जितने भी आदर्शवादी लेखक थे इनको भी प्रभावित किया, और जिसके कारण लेखकों ने व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित में निहित कर दिया। कि व्यक्तिगत हित का मतलब क्या है, सामाजिक हित है। अगर आप एक समाज में रहते हैं और वहां के आपने कहा कि भाई सिर्फ मुझे डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनते हो तो आप डॉक्टर बन रहे हो, व्यक्तिगत हित देख रहे हो, परंतु कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, समाज का हित करोगे ना, तो ये सकारात्मक में आएगा। अब सकारात्मक स्वतंत्रता
नकारात्मक स्वतंत्रता से अधिक व्यापक भी है, मानवीय भी है, आधुनिक और व्यवहारिक भी है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि कुछ कमियां हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये अवधारणा जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ती है, जिसमें कि व्यक्ति अपना विकास कर सके, पहला। दूसरा, राज्य सामान्य हित के नाम पर वर्ग विशेष के हितों की सेवा करता है। राज्य क्या करता है, सामान्य हित के नाम पर जो वर्ग पर्टिकुलर किसी वर्ग विशेष की जो है सेवा करने में तत्पर रहता है। अब दूसरा यहाँ पर बोला गया कि द्वितीय सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के पोषक राज्य के कार्य क्षेत्र को प्राय सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का पक्ष लेते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यवहारिकता में भी संदेह पैदा करते हैं। अब तीसरा पॉइंट अगर इसमें क्या देखें तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक निजी संपत्ति के अस्तित्व को बनाए रखते हुए बोलते हैं कि समाज के वर्ग विभाजन को खत्म किए बिना ही स्वतंत्रता की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, जो कि संभव नहीं है कि भाई वर्ग विभाजन खत्म कर दो उसके बाद में स्वतंत्रता को बनाए रखें, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ऐसे समाज में स्वतंत्रता जो है ना अमीरों के लिए छूट और गरीबों के लिए प्रतिबंध के रूप में सामने आती है कि भाई अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो अमीर लोगों के लिए तो क्या होगा, छूट होगी, कुछ भी करेंगे, और गरीब लोगों के लिए प्रतिबंध हो जाएगा कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं। तो वर्ग विभाजन को समाप्त किए बिना समाज में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बन सकती। तो इस प्रकार उदारवादी स्वतंत्रता के लिए सामाजिक और आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप के समर्थक वो बन गए। अब उन्होंने यहाँ पर कुछ बातें बोली है, जैसे कि नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की मनमानी करने की छूट के रूप में प्रेरित करती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या करती है, व्यक्ति के हित को देखती है, ठीक है, और विवेकपूर्ण प्रतिबंध के व्यक्ति के विकास के लिए भी जरूरी मानती है कि नकारात्मक स्वतंत्रता गलत है और सकारात्मक स्वतंत्रता एक व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक जो है वो राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, और जबकि सकारात्मकता की अगर हम बात करें तो वो क्या बोलते हैं, वो आर्थिक स्वतंत्रता को भी इसके साथ जोड़ देते हैं। सेम यही नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा अपने साथ में समानता, न्याय और ऐसे शब्दों को नहीं जोड़ती है, बल्कि सकारात्मकता के अंतर्गत विचार स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे एक दूसरे शब्द जो है एक दूसरे के साथ में जोड़े जाते हैं। वही नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार राज्य द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करने का पक्ष लेती है, और वही सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो राज्य के द्वारा सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करवाने के पक्ष में है, क्योंकि जो व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है वो अपने आर्थिक रूप में खुली प्रतियोगिता का समर्थन करता है, और वही जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो राज्य द्वारा नियमित अर्थव्यवस्था में विश्वास भी रखता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आई होगी। उसके अंदर दो पॉइंट और हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार समाज में सभी प्रकार की असमानताओं को प्राकृतिक मानता है, जबकि सकारात्मकता ऐसे में नहीं है, इस बोलते हैं कि इन असमानताओं को कम करने के पक्ष में माना जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार व्यक्तिवादी है और सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना सामाजिक है। नकारात्मकता का मतलब एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात की जा रही है, एक व्यक्तिगत तौर पर, जैसे मैंने कहा 10 के बाद आप डीजे बजा रहे हो, रेड लाइट हो रही है, आपने क्रॉस कर दी, तो मतलब आप स्वतंत्र आप कर रहे हो, पर क्या कर रहे हो आप जो है अपनी स्वतंत्रता से आगे जाकर, यानी कि आप दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए नकारात्मक में आएगा। और सकारात्मक स्वतंत्रता जरूरी क्यों है, क्योंकि ये समाज के लिए है। तो दोनों अवधारणाएं किसी न किसी रूप में एक निजी संपत्ति के अस्तित्व के समर्थक भी हैं और पूंजीवादी समाज वर्ग विभाजन पर भी आधारित है। जब तक समाज में ये दोनों वर्ग बने रहेंगे, जब तक स्वतंत्रता कुछ अमीरों की लूट खसोट करने के साधन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकती, और स्वतंत्रता का अर्थ जीवन श्रम के साधनों का उपलब्ध होना और इसके लिए उस व्यवस्था को तोड़ा जाना भी जरूरी समझते हैं जो कि पूंजीवादी समाज में प्राइवेट संपत्ति के ढांचे पर खड़ी हुई है। तो ये हमारा जो सारा कॉन्सेप्ट था वो हमारा जो है सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर था कि स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है और उसके सकारात्मक नकारात्मक आयाम क्या है। तो ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, तो ये एसओएल के अंतर्गत हर बार आने वाले यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बनता है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।